हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मित्र। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेज में। दोस्तों, ये वीडियो LIC के असिस्टेंट एग्ज़ाम के मेंस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए है। अब ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं। ठीक है, तो हमने आपको एक वीडियो में स्ट्रेटजी में बताया था, लेकिन यहाँ पर हम विस्तृत जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, जैसे कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ें और बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सके। देखिए, अगर वैसे पढ़ने लगेंगे तो बहुत सारा मैटर है, इतना कंटेंट रहेगा कि आप पागल सा हो जाएंगे कि क्या क्या हम पढ़ें और क्या क्या चीज़ें याद करें, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मिस हो जाएंगी। लेकिन अगर हम एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपका कोई दोस्त जो LIC असिस्टेंट के मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उस तक ये वीडियो शेयर करने का मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करंट अफेयर, ठीक है, आपको पता है कि जो जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसमें करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब करंट अफेयर कौन सा, ये आपको पता होना चाहिए कि 6 मंथ प्रीवियस करंट अफेयर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दिसंबर चल रहा है तो जुलाई से स्टार्ट हो जाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट कौन से होंगे, लास्ट के 3 मंथ यानी कि दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने के करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। लेकिन क्या सभी, नहीं, जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से होंगे, जो बैंकिंग से रिलेटेड होंगे वो करंट अफेयर आपको पढ़ना है। सभी करंट अफेयर नहीं, आपको PCS या IAS का पेपर देने नहीं जा रहे हैं, आप देने जा रहे हैं LIC असिस्टेंट के मेन्स के एग्ज़ाम जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से है। ठीक है, तो आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स का ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें परेशान पढ़ना है। हाँ, इसी करंट अफेयर में आप नई नियुक्तियाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारे देश में कौन आया, ठीक है, हमारे देश में कौन आया, हमारे देश के PM, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर कहाँ गए, ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने साइन किया है, ये थोड़ा सा देखना है आपको। ये सब चीज़ें हम आपको दिखाएं, मतलब चैनल पे अगर आप जुड़े रहेंगे तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि LIC असिस्टेंट के पेपर के पहले काफ़ी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, उसके साथ साथ हम यहाँ पे ये देखेंगे, निधन, नियुक्तियाँ हो गई, निधन हो गया, खेल से संबंधित करंट अफेयर कुछ जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि टेनिस प्रतियोगिता हो गई, वो आपको याद करना है अच्छे से। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम ओवरऑल देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट होगा आपका 3 मंथ का, लेकिन आपको पढ़ना है 6 मंथ का, और उसके पहले भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कसम खा के रखा है उसने कि हम जुलाई के बाद पहले का कुछ नहीं देंगे, आपको जनवरी 2019 का भी एकाध क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि लोकपाल कौन है हमारे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पुराने हैं बट आ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा करंट अफेयर्स की बात, अब हम बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। बैंकिंग अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम टॉपिक्स हैं इसमें, हम पूरा पढ़ेंगे कौन सारी चीज़ें, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे NABARD, ठीक है, और जितनी भी एजेंसीज हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद बैंकिंग हिस्ट्री पढ़ लेंगे थोड़ा सा, उसके साथ साथ बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेंगे कि कौन क्या चीज़ होती है, जैसे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, KCC क्या होता है, KYC क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, और करंट अफेयर में मैं आपसे एक चीज़ भूल गया कि योजनाएं ज़रूर हम पढ़ेंगे। ठीक है, योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसका लॉन्च डेट तो मान लो, अगर मैं तो यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा ही, लेकिन आपको कम से कम ये पता होना चाहिए उसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कि शिशु में कितना है, तरुण में कितना है, किशोर में कितना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम धीरे धीरे बात कर लेंगे। ठीक है, और बैंकिंग अवेयरनेस में सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, आपको वो हर वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, उसके साथ साथ स्टैटिक अवेयरनेस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा स्टेडियम देख लीजिए। ठीक है, स्टेडियम्स हो गए, करेंसी हो गई, ठीक है, किसी देश की, और मतलब इम्पॉर्टेंट जहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट या हमारे PM गए हैं या हमारे देश में कोई आए हैं उन्हीं लोगों से रिलेटेड। उसके बाद क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज याद कर लेनी है, बुक्स ऑथर याद कर लेना स्टैटिक अवेयरनेस से, और आपको जो वन्य जीव संरक्षण, वन्य विहार, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स कहाँ पे हैं, ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों का मैं एक दो वीडियो में कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसकी हमने एक PDF इंश्योरेंस की प्रोवाइड कर दी है,
हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के बाद आपको हर चीज़ का वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो ये बात रही इंश्योरेंस की। फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे आप, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्वेश्चन से मिलते नहीं हैं, तो आप उतना ज़्यादा स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप एसटी में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्विजेस लगाया करिए, ठीक है। जितनी देर आप एफबी, व्हाट्सएप या ये सब चीज़ें इंस्टा वगैरह चलाते हैं, उतनी देर में आप आराम से क्विजेस दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें अभी एग्ज़ाम तक आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। क्विजेस देने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और अगर आप ये करते हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक। तो इतनी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसके साथ स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हो नहीं पाएगा हमारा इसको। अब आप में से बहुत से बच्चे हमसे ये पूछेंगे कि सर कितना हम इसमें स्कोर कर सकते हैं। देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप आराम से 20 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, इवन 35 भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी पकड़ कितनी है इस सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 25 to 30, इतना आपका जरूर टारगेट होना चाहिए करेंट अफेयर्स यानी कि जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन में, ठीक है। अगर आप इतना लेके चलते हैं तो वेल एंड गुड, आप अपने आप को इतना इंप्रूव करिए कि आप 25 से प्लस जाइए और 30 के आसपास अराउंड में घूमते रहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।